होता है वो 9 साल 14 साल और 19 साल पे ड्यू है। तो हम लोगों की जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा जो पहला 9 साल पे होता है उसमें सहायक अभियंता का, और जो 14 साल पे होता है उसमें अधिशासी अभियंता का, और जो 19 साल पे होता है उसमें अधीक्षण अभियंता महोदय का वेतन मान मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। भैया क्या नाम है आपका? मैं अजय यादव, जनपद सचिव बहराइच। बहराइच आए हैं। जनपद सचिव क्या होता है? जनपद सचिव हमारे संगठन का एक पद होता है जिसमें कि हमारे एक जनपद सचिव होते हैं और जनपद अध्यक्ष मेन पद होते हैं, बाकी और भी 5 अन्य पद होते हैं। अच्छा, जो आपके ये शायद महासचिव थे उन्होंने मेरे को ये पत्र दिया है, तो जहाँ तक मैं इसके ये 5 या 6 पॉइंट देख पा रहा हूँ, तो ये 5 पॉइंट कुछ वेतन विसंगति को लेकर हैं शायद, तो क्या लिखा है इनमें ये बताइए। इसमें हमारी जो पहली मांग है, अवर अभियंता को जो पहले 4800 ग्रेड पर मिला करता था उस ग्रेड पे को ऊर्जा प्रबंधन द्वारा जो है समाप्त नहीं किया जा रहा है, उसको हम लोगों को विलोपित करवाने के लिए मांग चल रही है, और वर्तमान में हम लोगों को 4600 ग्रेड पे मिल रहा है। इस 4600 ग्रेड पे से डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अगला पदमान होता है प्रोन्नति का वो सहायक अभियंता का होता है और उनका 5400 होता है, इसलिए हमारी मांग है कि हमारा अगला पद जो पद है उस पद के हिसाब से वेतन मान भी दिया जाए। जी भैया, आपने 3 पॉइंट तो वेतन वाले बताए, चौथे पॉइंट में कुछ सीधी भर्ती को लेकर बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तो चौथा बिंदु हमारी मांग पत्र में चौथा बिंदु रखा गया है, इसमें अवर अभियंता का जो तृतीय समयबद्ध वेतन मान होता है और सहायक अभियंता का दूसरा समयबद्ध वेतन मान होता है, तो जो हमारे सीधी भर्ती से सहायक अभियंता होते हैं उनका जो द्वितीय एसीपी मान होता है उनको ऑलरेडी 2 इंक्रीमेंट बढ़ा के दिया जाता है, जबकि उसी काम को करने के लिए जो हमारे संवर्ग से अवर अभियंता संवर्ग से जाते हैं और उनका जो तृतीय एसीपी लगता है तो उनको 2 इंक्रीमेंट से वंचित रखा जाता है। तो हमारे संगठन की मांग है कि जब अगर उनको 2 इंक्रीमेंट मिल रहा है तो हमारे संवर्ग के भी लोगों को 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जी, उसके अलावा इंक्रीमेंट की आपकी मांग हो गई, ये भी कुल मिला के वेतन से ही रिलेटेड है। अगली मांग आपकी शायद प्रमोशन से रिलेटेड है, वो क्या? प्रमोशन से हमारी जो कि हमने बताया कि हम लोगों का जो प्रमोशन होता है वो 9 साल 14 साल और 19 साल पे ड्यू है। अच्छा। तो हम लोगों की जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा जो पहला 9 साल पे होता है उसमें सहायक अभियंता का, और जो 14 साल पे होता है उसमें अधिशासी अभियंता का, और जो 19 साल पे होता है उसमें अधीक्षण अभियंता महोदय का वेतन मान मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी नहीं मिल रहा है क्या आप लोग? अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, उसी के लिए हमारा ये संगठन इस मंच दरी के माध्यम से प्रबंधन को अवगत कराना चाहता है कि जो हमारा पहले हमारे वरिष्ठ लोग ले चुके हैं ये लाभ पहले हमारे संवर्ग के लोगों को मिल चुका है, कोई नई मांग नहीं है, उस मांग से हम लोगों को वंचित किया जा रहा है, उसी मांग को प्राप्त करने के लिए हम लोग ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम। आप लोगों को ये कब से वंचित किया जा रहा है, कब तक मिलता रहा है? आपके जो साथी रहे हैं, वरिष्ठ साथी रहे हैं, उनको कब तक मिलता रहा है ये लाभ? हमारे जो 2007 के पहले के अवर अभियंता संवर्ग के साथी हैं उनको मिल चुका है, 2007 के बाद के जो हमारे अवर अभियंता हैं उनको इससे वंचित किया जा रहा है, उन्हीं की मांग को अपनी इसी मांग को पूरा करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों ने कुछ वेतन विसंगतियों को लेकर, पेंशन को लेकर ये सब बातें करी। अगला जो पॉइंट मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि साइट स्टोर उपलब्ध कराने को लेकर, ये साइट स्टोर क्या होता है? ये हम लोगों का संसाधन, हमारा जो है हमारी मांग 2 प्रकार की है, एक तो जो वेतन संबंधी विसंगतियाँ हैं विभिन्न प्रकार की उसको लेकर के है, और दूसरा मांग जो हमको क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधन की आवश्यकता होती है उसकी मांग के लिए भी हम लोग इसमें बिंदुवार रखे हुए हैं कि हमको उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम संसाधन है वो विभाग द्वारा उपलब्ध किया जाए, तब ताकि निर्बाध रूप से हम उपभोक्ताओं को अपने अच्छी और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा सके, जिसमें कि हमारा जो अभी आपने साइड स्टोर की बात कही, साइड स्टोर ये है कि हमारा एक सेंट्रलाइज स्टोर होता है जो कि
जनपद में एक जगह पे रहता है और साइड स्टोर विभिन्न जो हमारे उपकेंद्र होते हैं उसको हम लोग साइड स्टोर बोलते हैं। तो एक सेंट्रलाइज स्टोर से अपने अपने उपकेंद्र पे ले जाने के लिए जो साइड स्टोर जिसको बोला गया है वहाँ पे सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने इसमें मांग रखी हुई है।